नमस्कार, आप सबका स्वागत है। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर मूवी टाइगर जिंदा है का बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसिला जारी है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने महज 9 दिनों में 232 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म को जहां क्रिसमस की छुट्टियों का फायदा मिला, वहीं इस न्यू ईयर पर भी क्रिटिक्स और फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक फिल्म ने शनिवार को 14.92 करोड़ की कमाई की। ट्रेड एनालिस्ट्स और फिल्मी पंडितों के मुताबिक टाइगर जिंदा है की कमाई को देखते हुए लग रहा है कि यह जल्द ही 300 करोड़ क्लब में एंट्री लेगी। उम्मीद है कि फिल्म 10वें दिन 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। टाइगर जिंदा है ने रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल अगेन को पीछे छोड़ दिया है। गोलमाल अगेन ने जहां 205 करोड़ की कमाई की, वहीं टाइगर ने महज 8 दिनों में ही उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब टाइगर से आगे सिर्फ बाहुबली दो का हिंदी वर्जन ही है जिसने अब तक 511 करोड़ की कमाई की है। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की इस फिल्म ने 2017 में बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है। 22 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन करीब 33.75 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि यह बाहुबली दो का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। इस फिल्म ने 40.7 करोड़ की कमाई की थी।